मैं देवरिया में हूँ और देवरिया के फतेहपुर गांव में हूँ। और ये प्रेमचंद यादव की, जैसे आप तस्वीरों में देख सक रहे हैं कि यहाँ से मैं लाइव हूँ। और ये मकान है फतेह बहादुर यादव की, जो जिनके साथ बर्दात हुआ है। और जो है ये घटना जमीनी विवाद का बताया जा रहा है, और यहाँ किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मैं परिवार से बात नहीं कर सकता हूँ, मीडिया को जो है अलाउड नहीं है और किसी को भी अलाउड नहीं। तो आइए, इस संबंध में कुछ लोग हैं, ये एक पार्टी से हैं, और ये कहाँ से आए हैं, इनका मैं परिचय लेता हूँ। और क्या कुछ है, आए तो परिवार से मिले कि नहीं मिले, आखिर परिवार से नहीं मिले तो क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। परिवार की अगर जो कोई बात रखनी हो तो मीडिया एक माध्यम होता है, मीडिया से नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो आखिर वजह क्या है। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फतेह बहादुर यादव, भारतीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारा संगठन है, एक पार्टी नहीं है, क्योंकि प्रेम भाई हमसे पहले से परिचित थे, रिश्तेदार भी दूर के लगते हैं। तो मैं इनसे मिलने आया, लेकिन प्रशासन मुझको मिलने नहीं दी। इस पर मुझको बहुत बड़ा दुख है कि यह जो सरकार है यह बिल्कुल एक पक्षी काम कर रही है। संविधान के जो नियम कायदे कानून है उससे हट के काम कर रही है, जबकि सरकार को संविधान के रहते काम करना चाहिए। इसके पहले भी मान लीजिए कि सरकारें चलती थी, उन सरकारों में इस तरह की बर्दातें नहीं होती थी। और जब से सपा बसपा ने शासन चलाना छोड़ा, जब से माननीय योगी जी ने बैठा, तो सबसे ज्यादा इन्होंने आडंबर का प्रचार किया, धर्म का प्रचार किया, जात का प्रचार किया, और जातों में भेदभाव किया। आज उसी भेदभाव का ही देन है कि यह जो कांड हुआ है, इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, वह कहीं ना कहीं सरकार का ही दोष है। सरकार के इशारे पे, सरकार की मंशा पे काम हुआ है, और आज भी सरकार एक तरफा काम कर रही है, परिवारों से नहीं मिलने दे रही है, दुख दर्द नहीं बांटने दे रही है। ये प्रशासन को इस तरह का घिन्न काम नहीं करना चाहिए। लोग जो दूर से आते हैं उनको मिलने देना चाहिए। तो मेरा यह सरकार और प्रशासन से आग्रह है कि परिवारों से मिलने दिया जाए। और रहा सवाल जाँच का, सरकार पहले इसकी जाँच करे। वास्तव में इनकी मकान अगर खनियान में है तो सरकार उसका इनकी जमीन से मुआवजा ले ले, न कि मकान गिरवावे, न बुलडोजर चलवावे। यह किसी भी संविधान और किसी भी कानून में नहीं लिखा गया है कि किसी की मकान अगर खनियान में बनी है तो उसको ढावा दिया जाए। उसके बदले सरकार दूसरी जमीन ले सकती है, लेकिन मकान बहुत मेहनत से बनती है, और मकान को ढाने पर उस परिवार पर क्या गुजरेगा, ये आप अच्छी तरह से सोच सकते हैं। और सरकार को नॉर्मल होना चाहिए, सरकार को सबके पक्ष में सोचना चाहिए, सरकार दोनों पक्षों में सोचे। अगर एक तरफा सोच रही है तो ये सरकार बिल्कुल जात पात कर रही है। और आज जो हमारे प्रदेश में जात पात का चलन है, बढ़न है, ये सब सरकार की देन है कि आज इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जी, ये मकान जो है इनका गिरेगा तो आखिर ये जो बच्चे हैं, इनका परिवार है, अगर जो गिर जाता है मकान तो ये लोग कहाँ रहेंगे, एक बड़ी समस्या है। और यहाँ किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, आप जैसा बताएं। सरकार उनकी व्यवस्था करे, मकान इनकी बनी है, पूंजी लग के बनी है। रहा सवाल कि कहा जा रहा है कि प्रेम जी माफिया थे, तो एक माफिया के लिए हजारों लोग जाकर के नरसंहार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक माफिया जब मरता है तो उसपे लोग शोक नहीं मनाते हैं, उसपे लोग तालियां बजाते हैं। और प्रेम शंकर प्रेम जी के आज तक कोई थाने में रिकॉर्ड मिला और न कोई इस तरह की बात हुई। तो जहाँ जाइए जाइए आप मिली, तो इस तरह की बातें सरकार द्वारा न करे। सरकार इसकी मुकम्मल राजस्व विभाग से जांच करे। अगर इनकी जमीन खनियान में है तो उसकी इनकी अलग जमीन से वो ले ले, क्या नाम कहते हैं, मुआवजा ले ले। और मकान गिराने का काम ये सरकार के लिए ठीक नहीं है, इससे एक जना आक्रोश पैदा होगा। अगर प्रेम शंकर की मकान गिरती है तो प्रदेश में एक जना आक्रोश पैदा होगा और सांप्रदायिक दंगे की संभावनाएं हो सकती हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सांप्रदायिक दंगा रोकने के लिए आप मकान न गिरा करके उसका कोई तीसरा विकल्प निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, जैसा आपने वीडियो में देखा, आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।